जासूसी कांड का कौन जेम्स बॉन्ड, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं उनका फोन हैक किया गया है, गृह मंत्री इस्तीफा दें, इधर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष फेक न्यूज फैला रहा है। आप जल्दी से दिखाइए एक बार प्रेम शुक्ला जी को, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, दो बड़ी बातें जो कही गई है, एक तरफ तो वो निलंबन को पूरे सत्र के लिए गलत ठहरा रहे हैं, दूसरी तरफ जो बात वो कह रहे हैं हमने प्रधानमंत्री चुना ना, शर्लक होम्स या बेमक्यो बख्शी को थोड़ी चुना है। देखिए व्योमकेश बख्शी निश्चित तौर पर नहीं चुने, नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं। देखिए ये कोई इंदिरा गांधी का कार्यकाल थोड़े, जिनके मलय कृष्णधर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि किस तरह से जो है ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी अपने बहू की जासूसी कराती थी, राजीव गांधी राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की जासूसी कराते थे, श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उनकी जासूसी पी चिदम्बरम कराते थे। ये इनकी जासूसी क्या है, इनको लगता है ये लोग जासूसी कैसे नहीं करा रहे, इसलिए परेशान है तो कपोल कल्पित कथा ला रहे। दूसरी बात, लोकसभा के जो राज्यसभा की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय लिया गया है। आप कहीं भी संसद में इस तरह की अवमानना संसदीय करेंगे तो इस तरह, पर महाराष्ट्र में तो सिर्फ नारा लगाया विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया, यहां तो एक सत्र के लिए निलंबित किया तो कह रहे हैं गलत है, एक सत्र के लिए निलंबन यह तो न्यूनतम जो है किसी भी सांसद की, जिस तरह की उनकी जो है जिस तरह का उन्होंने उद्दंडता की स्पीकर की चेयर के साथ में, इस तरह का उनके खिलाफ कार्रवाई करना, इससे न्यूनतम तो कुछ किया ही नहीं जा सकता था। पवन जी कह रहे हैं ओरिजिनल झंडा बरदार फोन टैपिंग हैकिंग के आप, अनुराग जी इसके बाद आ रही हूँ, हाथ देखा था मैंने आपका, पवन जी ओरिजिनल झंडा बरदार आप ही लोग हैं, कभी किसी दफ्तर में बग मिलता था, कभी किसी दफ्तर में हम ही लोग खबर बताते थे। अंजना जी अभी सरकार 7 साल से जिनकी है वो अपने 7 साल में जो कांड हो रहे हैं उससे बचने के लिए, अरे पहले वो हुआ 1947 में हुआ, 1857 में हुआ, अरे साहब अभी 7 साल बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बतौर प्रवक्ता आपका स्वागत है, जरा शांति से सुनिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, पिछले 7 साल का हिसाब, 7 साल में काश कि ये पेगासस आपने पुलवामा से पहले लगा दिया होता, आरडीएक्स नहीं आता, मालूम तो पड़ जाता आरडीएक्स कहां से आया, हमारे 45 जवानों की तो जान बच जाती, काश ये पेगासस चीन के बॉर्डर पे लगाया होता तो मालूम तो पड़ जाता चीन घुसने वाला है, लगा रहे हैं अपने ही देश के नागरिकों पर, आपसे जवाब लूंगी, इनकी बारी आए, अपनी बारी में जब आपकी बारी आए तब बोलिए प्रेम शुक्ला जी, धन्यवाद। तो न तो आपने देश के दुश्मनों के लिए कुछ के खिलाफ कोई जासूसी की, कर दी होती देश में काफी, न उरी में होता, ना पठानकोट में होता, ना पंपोर में होता, ना अमरनाथ यात्रा पे हमला होता, ना पुलवामा होता, नहीं। लेकिन मोदी जी और शाह जी को पूरी बीजेपी अपनी दुश्मन लगती है, पूरी आरएसएस अपनी दुश्मन लगती है, पूरा देश अपना दुश्मन लगता है, ये दो है, हम दो और हमारे वो जो इसराइल में बैठे हैं, अरे साहब ऐसे थोड़े देश चलता है, हम दो हैं तो हमारे साथ पूरा देश भी तो साथ में लेकर चलिए। आपने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ पेगासस इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है, उनकी पत्नियों उनकी बच्चियों उनकी बहुओं के खिलाफ पेगासस इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा क्या शर्मनाक होगा मुझे आप बताइए प्रेम शुक्ला जी, कल को आप भी मंत्री बनेंगे, आपके भी घर पे अगर ये स्नूपिंग कर दें कितना बुरा लगेगा आपको, मंत्री आप बने हैं और उसका खामियाजा आपकी पत्नी भुगते, अच्छी बात है क्या ये, बहुत किसी की भी सरकार हो हम तो चाहते हैं आप मंत्री बनी, लेकिन ये तरीका है क्या आप मुझे बताइए, हम सिर्फ देश हित की बात कर रहे हैं, देश हित में आप जितनी जासूसी करनी करिए, करिए ना चीन की जासूसी, पाकिस्तान की जासूसी, इमरान खान की जासूसी, दाऊद इब्राहिम की जासूसी करिए, कौन आपके खिलाफ, सब आपके साथ खड़े होंगे, अरे लेकिन आप तो कर रहे हैं अपने सीबीआई डायरेक्टर की जासूसी, आप कर रहे हैं अपनी महिला पत्रकारों की जासूसी, आप कर रहे हैं अपने मंत्रियों की जासूसी, ये क्या तरीका है साहब, जवाब मजाक बना रखा है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए जासूसी जो जासूसी नहीं हुई उसके बारे में कह रहे हैं, और जो जासूसी स्वयं इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी बहू की कर रही थी, उसको नहीं मानेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर आप बीच में बोल रहे हैं, रवि आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे राहुल कह रहे थे अभी तो आप रविशंकर अभी आपको कहा ना कि हुई, बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ, कुछ देर बोल लीजिए आप, पवन जी पवन जितनी देर आपकी बात हो जाए तब जितनी देर अंजना जी इन्होंने मेरे को हो गया बराबर हो गया बराबर बराबर प्रेम जी हमें बोल बोल प्रेम जी जवाब दीजिए अब जी नहीं मैं जो जासूसी हुई नहीं उसको लेकर इतना कोहराम है और जो जासूसी सिद्ध है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्वीकारा कि मेरे कार्यकाल के दौरान
आरटीआई में आया कि 9000 लोगों की एवरेज जो है प्रतिमा 9000 लोगों की स्नूपिंग होती थी, किसने स्वीकारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने स्वीकार किया है। ये सत्य है, सबके सामने है कि पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उनकी फाइनेंस में इंटरेस्ट हुआ करता था, वित्त मंत्री बनना चाहते थे, प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे, उनके कार्यालय की बगिंग की गई है, सबके सामने है। राष्ट्रपति भवन किन के दौरान बगिंग हुई है, और तो जाने दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र के परिवार की जासूसी किया करते थे, ये सीक्रेट पेपर सबके सामने है। तो इनकी 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 परेशानी ये है कि नेहरू ने जासूसी कराई, इंदिरा जी ने जासूसी करवाई, राजीव जी ने जासूसी करवाई, सोनिया जी ने जासूसी कराई, और ये लोग जासूसी क्यों नहीं करवा रहे? ये पारदर्शी सरकार क्यों चला रहे? ये पारदर्शी सरकार क्यों चला रहे? ये लोकतांत्रिक सरकार क्यों चला रहे? ये संविधान के हिसाब से क्यों चलते हैं? ये कानून क्यों मानते हैं? इनकी परेशानी है, इनकी परेशानी है। देर कर दी। नहीं, मैं तो आपके कुकर्मों को सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपके कुकर्म गिना रहा हूँ, और जिस पर आप कभी शर्मिंदा नहीं हुए। और यहाँ कपोल कल्पित आप जो है कहानियां सुना रहे, आप कपोल कल्पित कहानियों पे जांच करना चाहते हैं, और आपकी जो जांच होती नहीं है। ठीक है, पवन जी जवाब दे रहे हैं। आप जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, नेहरू जी की कराई जासूसी, इंदिरा जी ने कराई जासूसी, राजीव जी ने कराई जासूसी, सोनिया जी ने कराई जासूसी, और मोदी जी क्यों नहीं जासूसी करा रहे? यही इनकी परेशानी है। लेट हो जाओगे तो मंत्री नहीं बन पाओगे, यहीं तो चूक जाते हो। मोतीलाल नेहरू से शुरू करिए, उन्होंने किसकी जासूसी की, तब तो आपकी चंदा मामा अच्छी चलेगी। चंदा मामा की कहानियां अपने घर में बच्चों को जाके सुनाइए, सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया, सुन लीजिए, बहुत हो गया। ये राहुल गांधी पढ़ाए चंदा मामा कहानी, थोड़ा उनका ज्ञान बढ़ेगा, नेहरू जी ने वो कर दिया। अरे अभी मोदी जी और अमित शाह ने गुजरात में किसकी जासूसी कराई थी, बताओ आपको? शुरू करें आपके प्रदेश अध्यक्ष, किसकी जांच कराते थे? कोई सरकारी काम नहीं होता, जरा परिपक्वता आ जाएगी। गैर सरकारी महिला की जासूसी करवाई थी या नहीं करवाई थी आप लोगों ने, बताइए। और जरा दैनिक भास्कर में छाप दिया, उसके रेड हो गए। ये तो बार-बार पप्पू फेल हो जाते हैं, आपकी संस्कार है। इससे यहाँ बैठकर नेहरू नेहरू मत किया करिए, ये नेहरू नेहरू की माला जपना बंद कीजिए, तब तक जाके सरकार चला पाएंगे। सुबह से रात तक नेहरू नेहरू राहुल गांधी करते रहते हैं, ऐसे सरकार चलाओगे?